हेलो एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स। सो सबसे पहले इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स होते क्या हैं? ये एक यूनिफाइड कमांड है जिसके अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों एक साथ काम करती हैं। एट प्रेजेंट क्या होता है कि आर्मी अपना अलग से ऑपरेट करती है, नेवी अलग से ऑपरेट करती है एंड एयरफोर्स अलग से ऑपरेट करती है। लेकिन अभी प्रपोजल ये है कि एक ऐसी कमांड बनाई जाए जिसके अंदर आर्मी भी हो, कुछ पर्सनल्स आर्मी के, कुछ नेवी के, कुछ एयरफोर्स के, एंड वो तीनों एक साथ काम करें। सो दिस इज़ द प्रपोजल। अब ये कमांड्स हो किस तरह की सकती हैं? या तो ज्योग्राफिकल होगी कि किसी पर्टिकुलर इंडिया की बॉर्डर के साथ कहीं पे देख रही है, ठीक है, कि पाकिस्तान, चाइना या कहीं भी, या फिर एक होगी थीमेटिकल जो कि ओवरऑल इंडिया के ऊपर निगरानी रख रही है। एंड ऑलरेडी कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जैसे कि चाइना या यूएसए जिनके पास ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं पहले से ही, ठीक है। तो ये है यूनिफाइड कमांड्स हैं, ज्योग्राफिकल या थीमेटिकल हो सकती हैं। एंड ऑलरेडी कुछ कंट्री हैं यूएसए जैसे चाइना लाइक, जिनके पास ऑलरेडी ये कमांड्स हैं। सो प्रपोजल क्या है डिस्कशन का? सबसे पहले प्रपोजल ये है कि एक कमांड बनाई जाए कि जिसको हेड कौन करेगा, 3-स्टार ऑफिसर। जैसे प्रपोजल ये है कि एक सबसे हमारे पास बेसिक्स क्या होगा, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड होगी, इसको हेड कौन करेगा, एक 3-स्टार ऑफिसर। अब ये 3-स्टार ऑफिसर है जो, ये किसको रिपोर्ट करेगा आगे, चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी को। तो अब जैसे ये नाम ही इसका बता रहा है चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी, इसमें कौन होंगे, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के चीफ होंगे। आर्मी का, नेवी का और एयरफोर्स तीनों के चीफ इस कमेटी के मेंबर होंगे। और इस कमेटी को हेड कौन करेगा, CDS, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, ये करेगा इस कमेटी को हेड, जो कि परमानेंट चेयरमैन भी होंगे इस कमेटी के। तो बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया इसका, हम एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक है कि सबसे नीचे कौन होगा, एक थिएटर कमांड, इसके ऊपर कौन होगा, 3-स्टार ऑफिसर जो कि किसी भी सर्विस से हो सकता है। ये किसको रिपोर्ट करेगा, चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी, एंड चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी का हेड कौन होगा, CDS, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अब मेन दिक्कत क्या है इसमें कि एट प्रेजेंट क्या होता है, जो आर्मी का चीफ है वो पूरी आर्मी को कंट्रोल करता है, और नेवी का चीफ पूरी नेवी को, एंड सिमिलरली फॉर एयरफोर्स। पर जब ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बन जाएगी तो इसको कंट्रोल कौन करेगा, इसको कंट्रोल करेगा चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी। तो बेसिकली मतलब ये हुआ कि जो आर्मी का चीफ है उसका उतना कंट्रोल नहीं रहेगा पूरी आर्मी के ऊपर जितना पहले होता था। अब क्योंकि पूरा कंट्रोल किसके पास आ गया, इस कमेटी के पास, तो मतलब कि जो भी एक्शन होगा वो इस कमेटी के सलाह मशवरे से होगा। ऐसे नहीं कि आर्मी का जो चीफ है वो इंडिविजुअली कोई, मतलब उसने कुछ डिसीजन लिया और आर्मी उस पर एक्ट कर रही है, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। सो ये यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है, ठीक है। सो ये रहा चीफ ऑफ द, ये 3-स्टार कोई ऑफिसर हेड करेगा, एंड ही विल रिपोर्ट टू चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी हेडेड बाय CDS। एंड ये प्रॉब्लम क्या आएगी इसमें कि पावर्स डिवाइड हो जाएंगी। अब हमारे पास प्रपोज्ड कमांड्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास है मैरीटाइम कमांड, जो कि जो जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है। तो एक तो ये जो इस एरिया को देखेगी जो हमारा सी के साथ है, एक कमांड हमारा देखेगी लैंड बॉर्डर को चाइना पाकिस्तान के साथ, ठीक है। और एक होगी एयरफोर्स कमांड जो कि ऑल ओवर इंडिया ही वर्क करेगी, ठीक है। तो एक इन सब के अलावा एक स्पेशल कमांड अलग से बनाई जा रही है, किस चीज़ के लिए, जो हमारा लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है। तो इस रीजन में जो हमारा बॉर्डर्स पाकिस्तान और चाइना के साथ टच करते हैं, इस एरिए के लिए एक अलग से स्पेशल कमांड बनाई जा रही है। तो बेसिकली हमारे पास टोटल कितनी कमांड्स होगी, एक तो मैरीटाइम कमांड होगी, एयरफोर्स कमांड होगी, और एक हमारे पास होगी लैंड बेस्ड कमांड, और एक हमारे पास होगी ये स्पेशल कमांड जो कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को देखेगी। तो अब हमारे पास जो ये लैंड बेस्ड कमांड है, इसके लिए भी प्रपोजल क्या है कि एक कमांड बनाई जाए फॉर पाकिस्तान बॉर्डर एंड एक कमांड बनाई जाए फॉर चाइनीज़ बॉर्डर। जम्मू एंड कश्मीर के अलावा पाकिस्तान का जो बॉर्डर जैसे पंजाब राजस्थान के साथ लगता है उसके लिए, और चाइना का जो बॉर्डर जम्मू एंड कश्मीर के अलावा जैसे अरुणाचल प्रदेश एंड अदर नॉर्थ ईस्ट के साथ लगता है उसके लिए, ये एक अलग से कमांड का प्रपोजल है। ओके सो ये एक मैरीटाइम कमांड होगी, ये हमारी एयर डिफेंस कमांड होगी,
ये हमारी लैंड बेस्ड कमांड होगी चाइना और पाकिस्तान के लिए, एंड ये एक हमारी होगी स्पेशल कमांड विद पाकिस्तान एंड चाइना इन जम्मू एंड कश्मीर इस बॉर्डर के लिए, ठीक है। सो इन दोनों, इन जो हमने पीछे चार कमांड्स डिस्कस करी हैं, उन चार कमांड्स के अलावा हमारे पास दो कमांड्स और हैं, ठीक है। एक कौन सी है? लॉजिस्टिक कमांड्स, एंड दूसरी कौन सी है? हमारी ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड। अब जो हमारी लॉजिस्टिक कमांड है वो क्या देखेगी? वो जो इंटीग्रेटेड सर्विस कमांड बन रही है, ट्राई सर्विस कमांड बन रही है, इस सभी का लॉजिस्टिक का जो भी रहेगा वो देखेगी ये लॉजिस्टिक कमांड, ठीक है। मतलब पहले ऐसे नहीं है कि आर्मी को अलग से कहीं पे जाना पड़ रहा है या एयरफोर्स को अलग से कहीं पे जाना पड़ रहा है, इन सब को जो लॉजिस्टिक के रिगार्डिंग कोई भी सर्विस है वो ये लॉजिस्टिक कमांड प्रोवाइड करेगी। एंड जो हमारी दूसरी कमांड है ये है ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड। ये क्या करेगी? ये एक बेसिक सर्विस और बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी हमारी इंटीग्रेटेड कमांड को। जो हमारी नई कमांड्स प्रपोज्ड हैं उनके लिए एक बेसिक ट्रेनिंग का बंदोबस्त कौन करेगा? ये ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड, ठीक है। सो दैट कि वो एक दूसरे से एडजस्ट कर पाएँ, मतलब वो मतलब बेसिकली कि वो फंक्शन कर पाएँ इकट्ठे। अभी प्रेजेंटली आर्मी नेवी एयरफोर्स अलग से फंक्शन कर रही है, तो उनका इसका काम क्या रहेगा? उनको एक बेसिक ट्रेनिंग देना सो दैट दे कैन फंक्शन टुगेदर। सो ये है सारा टॉपिक। एंड इस सब के अलावा ये जो कमांड्स का इंटीग्रेटेड कमांड्स बनाने का प्रपोज़ल है, इट्स नॉट अ न्यू प्रपोज़ल। ये कारगिल के टाइम से प्रपोज्ड है, एंड पहले 2020 का ये प्रपोज़ल था कि एंड ऑफ 2020 तक इंटीग्रेटेड कमांड्स डेवलप हो जाएंगी। एयर डिफेंस कमांड है जो, इसका प्रपोज़ल था कि ये कमांड बाय द एंड ऑफ 2020 मतलब प्रेजेंस में आ जाएगी, लेकिन ड्यू टू मैनी रीजंस एंड ऑल्सो ड्यू टू कोविड ये कमांड भी अभी तक नहीं आ पाई है। और अभी प्रपोज़ल ये है कि मे बी बाय द एंड ऑफ 2021 ये कमांड प्रेजेंस में आ जाएगी। सो ये रही हमारी लॉजिस्टिक कमांड, एंड दिस इज़ ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड। सो दिस इज़ द होल टॉपिक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल दूँगा। ओके, थैंक यू।